बनता है ना, फाइनल मेरिट बनता है कैसे भाई, रिटेन और इंटरव्यू से, रिटेन और इंटरव्यू से। तो रिटेन की बात यहाँ पे करें तो 150 का होता है रिटेन। 150 में देखिए, अगर हम बात करें, ये प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुआ था उसका है, ठीक है, प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ है, कट ऑफ मार्क्स ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू, इंटरव्यू के लिए। यहाँ पे फाइनल मेरिट नहीं बनाया है ना, ये आपका 150 में से ये है फाइनल जो बनता है आपका, इंटरव्यू जो होता है 60 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। तो कुल मिलाकर इसका जो वेटेज होता है रिटेन का 150 में 85 रेशियो का और 15 रेशियो का, ये वेटेज बनता है इंटरव्यू मिलाकर, तब जाके फाइनल मेरिट मेरिट लिस्ट बनता है। तो अगर यहाँ पे देख सकते हैं, अगर प्रीवियस कट ऑफ की बात हम करें तो 150 में कितना गया था, जनरल कैटेगरी का 95, ओबीसी का 94, एससी का 88, एसटी का 79 और ओएच कैटेगरी का 83, वेज कैटेगरी का 70 गया था, ठीक है। तो यहाँ पे 150 में आपको ये एक पहले करना होगा, दूसरा 60 मार्क्स का इंटरव्यू उसमें आपको लाने होंगे मार्क्स, और वेटेज किस प्रकार का होगा, 85:15 के वेटेज में होगा, है ना। अब इसमें जो एक और वेटेज बनता है वो है 60:25:15 का वेटेज बनता है, इसमें ये रिटर्न का हो जाता है, ये आपका जो होता है परफॉर्मेंस टेस्ट का हो जाता है, परफॉर्मेंस टेस्ट का, और ये आपका इंटरव्यू का हो जाता है ना। तो इस तरह से वेटेज बनते हैं। तो कुल मिलाकर आपको पहले तो आपको जो है इसका जो रिटर्न क्वालिफाई करना होगा। रिटर्न जो होता है भाई, यहाँ पर रिटर्न की अगर हम बात करें, रिटर्न ऑफलाइन होता है ना, ऑफलाइन होते हैं रिटर्न, क्या होते हैं ऑफलाइन होते हैं, ऑनलाइन नहीं होते हैं, क्लियर। तो एक बार मैं फिर से बता दूँ, यहाँ पर रिटर्न की बात मैं कर रहा था, रिटर्न क्या होता है, ऑफलाइन होगा, है ना। बहुत सारे कैंडिडेट पूछ भी रहे थे भाई कि ऑनलाइन होता है कि ऑफलाइन होता है, तो ये ऑफलाइन होता है। बेसिक जो पैटर्न होगा ना, बेसिक तो आपके वही रहेंगे, बेसिक में कोई ख़ास बदलाव नहीं हुआ है। देखिए पार्ट वन क्या है भाई, इंग्लिश है हिंदी है, ठीक है, इंग्लिश है हिंदी, 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए, टोटल 20 मार्क्स के लिए होते हैं। और ये इंग्लिश हिंदी क्या होते हैं, जो आप 1 to 8 क्लास, जो क्लास 1 to 8 में आपने पढ़ा, उसी लेवल का यहाँ पे क्वेश्चन देखने को बनता है, ठीक है। पार्ट टू में क्या आता है भाई, जीके होते हैं, करंट अफेयर्स होते हैं, 10 क्वेश्चन होते हैं, 10 मार्क्स के लिए होते हैं। रीजनिंग आते हैं 10 मार्क्स के लिए, कंप्यूटर 10 मार्क्स के लिए, पेडागॉजी से आपका 20 मार्क्स के लिए, कुल यहाँ पे 50 मार्क्स ये हो गए, है ना। पार्ट थ्री में क्या क्या है, फिर से जीके है, फिर से वही मैथ। अब यहाँ पे मैथ पूछा गया कि मैथ भी क्या भाई, वही 1 to 8 वाला मैथ, जनरल साइंस जो आपने कॉमन जनरल साइंस पढ़ा है 1 to 8 टेंथ तक, वही पूछा जाएगा। ईवीएस इन्वायरमेंटल साइंस जो होते हैं वो पूछे जाएंगे। यहाँ पे इंग्लिश हिंदी की बात मैं कर रहा हूँ, तो ये इंग्लिश हिंदी, ये वाले इंग्लिश हिंदी से डिफरेंस है, ये इंग्लिश पेडागॉजी और हिंदी पेडागॉजी होते हैं, जो कि आपके पढ़ाने का वो सलीका हो, तरीका है, उसमें क्या आपकी वो प्रोफिशिएंसी है, उसका इसमें टेस्ट लिया जाता है। ये 80 मार्क्स के होते हैं, तो 80 और 5 8 13 और 2 15 टोटल 150 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के लिए होते हैं, ठीक है, 150 क्वेश्चन 150 मार्क्स के लिए होते हैं, है ना। तो यहाँ पे सिलेबस भी आपको समझ में आ गया कि सिलेबस में क्या क्या पूछा जाता है, क्लियर।